से हम सबके मार्गदर्शन और संबोधन के लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति और सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें कांगड़ा जिले के वीर जवानों की संख्या भी बहुत अधिक है। यह गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के 20 सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र जीते हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। ये दोनों अमर शहीद कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ही कर्नल डीएस थापा सुबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी और साधनों की कमी जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। प्रदेश की जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जनसेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने आर्थिक, राजनीतिक और आपदा के मोर्चों पर 3-3 चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने हर हाल में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया। आप जानते हैं लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गई। धनबल के सारे प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। प्रदेश पर उपचुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और 4 महीने तक विकास परियोजनाओं की गति रोकने के भी प्रयास हुए, लेकिन आपने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए धनबल को हराकर जनबल की जीत का परचम लहराया। हमारा संकल्प है हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने आबकारी नीति और नीतिगत बदलाव लाने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं। नीतिगत बदलाव से केवल एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित हुआ है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हितों को अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों से अदानी पावर्स, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जैसे मामलों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हिमाचल सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझना
बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी दोनों के बिल माफ कर दिए गए। साधन संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर हर साल 780 करोड़ रुपए और पानी का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के टैक्स देने वाले लोगों का एक एक पैसा सरकार जनहित के कार्यों में खर्च करेगी। 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान में कटौती कर प्रदेश के साथ अन्याय किया, लेकिन पिछली सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने की जरूरत ही नहीं समझी। हमने प्रदेश के हित में इस मामले को 16वें वित्त आयोग के सामने प्रमुखता से रखा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ दुख की इस घड़ी में हम आपदा प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हर एक प्रभावित मेरे परिवार का सदस्य है और एक एक परिवार को फिर से बसाना हमारा संकल्प है। आपदा से प्रभावित हर परिवार को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। उन्हें 3 महीने तक किराए पर मकान के लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं और जल्दी ही इन आपदा प्रभावित परिवारों को बारिशें खत्म होने के बाद हम इनके लिए एक राहत पैकेज लेकर भी आएंगे। प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हमारी सरकार ने बेसहारा बच्चों और महिलाओं को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। प्रदेश के 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है ताकि महिलाएं स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके। पात्र महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपए प्रदान कर सालाना 18,000 प्रदान किए जा रहे हैं। पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रही लगभग 2,37,000 महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाकर उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। प्रदेश में विकास की गाथा लिखने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए हमारी सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,36,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी उनके परिवारों को फायदा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9,200 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हम इस धनराशि को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम कृषि यूनिटि योजना भी लागू की है। लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल प्रदेश के 99 प्राइमरी स्कूल्स में जीरो एनरोलमेंट और 10 मिडिल स्कूल में जीरो एनरोलमेंट थी। हमने 2 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूलों और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूलों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या होने की स्थिति में इनको नजदीकी विद्यालय के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को हमने पूरा किया है।
हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से हमने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। इस वित्त वर्ष में 850 शिक्षा संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेशवासियों को उनके घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नतर कर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है। हमने कैंसर मरीजों के लिए फ्री इलाज और 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद और IGMC शिमला और वह अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में 499 पद भरने का फैसला लिया गया है। बागवानी क्षेत्र का हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानों के हित में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस साल सेब के सीजन के दौरान यूनिवर्सल गार्डन का प्रयोग शुरू किया गया है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए 153 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। इसमें पिछली सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारियां भी शामिल है। इस साल भी सेब आम और नींबू प्रजाति के फलों को 12 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का एकमात्र राज्य है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। सोलन जिला के नालागढ़ में वायल इंडिया कंपनी की भागीदारी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए 1 मेगावाट का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऊना जिला के पेखूवाला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना मात्र 4 महीने में जनता को समर्पित की गई है। इस परियोजना से सालाना 19 करोड़ 17 लाख के राजस्व लाभ का अनुमान है। कुटलैर विधानसभा क्षेत्र के अगलोर में 10 मेगावाट तथा गगरेट विधानसभा क्षेत्र के बंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश में रोपवे निर्माण को भी गति दी जा रही है। लोगों को बेहतर परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए HRTC को इलेक्ट्रिकल बस खरीदने के लिए 517 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में रोजगार के 31,000 से अधिक अवसर सृजित किए हुए हैं। इसकी तुलना में पूर्व की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां दी थी, जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव पेचों में उलझी रही। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 1,87,000
500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इस व्यवस्था से आम आदमी को भूमि से जुड़े मामलों में बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किए पदक विजेताओं के लिए भी पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। अवैध खनन रोकने तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए सरकार नई नीति लाई है। मैं हिमाचल वासियों को विश्वास दिलाता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ छोड़कर गई है। आज हालत ये है कि प्रदेश सरकार को कर्ज और इसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हर सौ रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज पर 11 रुपए, कर्ज अदायगी पर 9 रुपए, स्वास्थ्य संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपए और बचे हुए 28 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर और विकास की अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कांगड़ा के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कांगड़ा जिला ने देश को अनेक महान विभूतियां दी, जिन्होंने देश की सेनाओं के साथ साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख योगदान देते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारत के राष्ट्रगान की धुन तैयार करने वाले कैप्टन राम सिंह की जन्मभूमि भी कांगड़ा जिला रही है। कांगड़ा जिला महान स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की भी जन्मस्थली रहा है। धर्मशाला में भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। काफी समय से लंबित 663 करोड़ रुपए की फीना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिलाई गई है। 234 करोड़ रुपए की सुखाहार सिंचाई योजना भी मंजूर करवाई गई है, जिससे शाहपुर और 44 के 22 गांवों को फायदा होगा। जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित है। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के बड़े निवेश वाला उद्योग स्थापित किया गया है। देरा के लिए पुलिस जिला मंजूर किया गया है। देरा में लोक निर्माण विभाग का सर्कल तथा ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल, जबकि जयसिंहपुर के वीडियो ऑफिस को भी मंजूरी दी गई है। ज्वालामुखी के लुथान में सुख आश्रय ग्राम परिसर बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में बनने वाले 15 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में से 8 कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हमारी सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम किया है। अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमने कर्मचारियों के हित में बहुत से फैसले किए हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। हमने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पहुंच के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत एकल नारियां, विधवाएं, निराश्रित परित्यक्त महिलाएं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 1,000 रुपया प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी। इन्हीं बच्चों को 18 से 27 वर्ष की उम्र तक प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थानों में, जिनमें IIT, IIM,
और मेडिकल कॉलेज शामिल है। पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर इनको मुफ्त हॉस्टल नहीं मिलेगा तो 3,000 रुपये प्रति माह पीजी में रहने के लिए भी दिए जाएंगे। फॉर्म विस्थापितों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनके क्लेम्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सेटल किए जाएंगे। आबकारी और कराधान विभाग से जुड़े पेंडिंग टैक्स केसेस को निपटाने के लिए मैं एक योजना लाने की घोषणा करता हूं। इसके तहत जीएसटी लागू होने से पहले के 10 से 15,000 लेगेसी केसेस का समाधान होगा और लोगों को अदालती झंझट से निजात मिलेगी। मैं देरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देरा में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी जलशक्ति और देरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस का ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं। अंत में मैं एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय